कृपया मेरी वीडियो को हेडफोन्स लगाकर देखें ताकि मेरी बातें आपके दिल और दिमाग तक पहुंच सके। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के कुछ टुकड़े कमाने के लिए। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, और समय वही है जिसे हम सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसी इंसान को बर्बाद कर देता है। कहते हैं समय दिखाई तो नहीं देता, पर वो बहुत कुछ दिखा जाता है। वक्त इंसान को जख्म भी देता है और उसी जख्म का मरहम भी बनता है। समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। जब समय का तमाचा पड़ता है ना, तो वो बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना सकता है। समय ने वसीयत लिख दी है आपके पैदा होने पर, किसके हिस्से में क्या आएगा अब ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इसी पल को जी ले, क्योंकि इस वक्त को मैं अगले वक्त तक रोक नहीं पाऊंगा। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। कहते हैं वक्त कभी गवाह और सबूत नहीं मांगता, वो सीधे फैसला सुनाता है। जब वक्त फैसला सुनाता है ना, तो जज को भी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ जाते हैं। पहले मुझे लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, लेकिन अब वक्त ने सिखाया है कि लोग भी बदल जाते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप हो जाओ, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस खुद को सही बनाना पड़ता है। और लास्ट वाला मेरी तरफ से, वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मैं हूं जोश पॉइंट का क्रिएटर शोएब राजपूत, जो आपके सपनों को हरदम सपोर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।